हेलो गाइस, वेलकम बैक, दिस इज साक्षी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक कोरियन ड्रामा की जो कि बहुत ही पॉपुलर है। आई होप कि आपको काफी पसंद आने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो स्टार्टिंग में हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो कि सबसे छुपते छुपाते जा रही होती है और उसे रास्ते में एक बच्चा दिखाई देता है। वो उसे घर ले आती है और उसे खाने को देती है और उनके घर में पहले से ही एक राक्षस मौजूद होता है और ये राक्षस इसी औरत का बेटा था जो कि इन पर हमला कर देता है। जिसे देख वो गरीब औरत और उसका बच्चा डर जाते हैं और तभी उन्हें बताने चांगयुक नाम का एक आदमी आता है जो कि बहुत शक्तिशाली था। तो वो लेडी अपनी बेटी को बचाने आती है। वो चांगयुक से अपने बेटे को छोड़ने के लिए कहती है। वो कहती है कि एक बार मेरा बेटा किसी और के शरीर में चला जाएगा तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चांगयुक कहता है कि उससे मरना होगा क्योंकि वो एक राक्षस में बदल गया है। तो वो लेडी खुद अपने बेटे के पास चली जाती है और उसका बेटा अपनी माँ की शक्तियाँ लेने लगता है। वो अपनी माँ का शरीर ले पाता उससे पहले ही चांगयुक उन दोनों को मार देता है। उसके बाद चांगयुक जिमी उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे आत्माओं को बदलने का काम छोड़ देना चाहिए, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जिमी उसे कहता है कि महाराज ने आपको बुलाया है। उसके बाद चांगयुक महाराज के पास जाता है जो कि काफी ज्यादा बीमार थे और वो ज्यादा दिनों तक जीने वाले नहीं थे। तो वो चांगयुक से उनकी शरीर की आत्मा को बदलने के लिए कहते हैं। तो चांगयुक कहता है कि आत्माओं के शरीर बदलने से वो आत्मा शैतान बन जाती है। तो महाराज कहते हैं कि बस 7 दिन की बात है, तुम मुझसे अपना शरीर बदल लो और उसके बाद हम दोबारा से एक्सचेंज कर लेंगे अपनी आत्माओं को। उसके बाद चांगयुक उसकी बात काफी मनाने के बाद मान जाता है और वो अपनी शक्तियों से दोनों के शरीर को बदल देता है। उसके बाद महाराज अपने शरीर को बदल कर चांगयुक की पत्नी दोहा के पास जाता है और दूसरी तरफ चांगयुक को होश आता है और वो उठकर अपनी बॉडी को देखता है कि वो महाराज के बीमार शरीर में है और उसे वहाँ पर महाराज का लिखा एक पेपर मिलता है जिस पर लिखा था कि दोहा मेरी है और अगर वो किसी बच्चे को जन्म देती है तो समझ लेना कि वो बच्चा मेरा है। और महाराज ने ये दोहा को पाने के लिए किया था। अब चांगयुक उसे रोकने के लिए जा नहीं पाता क्योंकि वो काफी बीमार शरीर में था। उसके बाद आकाश की ऊर्जा हवा पानी बादलों में बढ़ जाती है और एक रूप में वो धरती पर आती है जो कि दहायो नाम के देश की झील में समा जाती है और जिन लोगों के पास इसे कंट्रोल करने की शक्ति है उन्हें मेगस कहा जाता है। अब इसके बाद 20 साल गुजर जाते हैं और हमें नाक्सु नाम की लड़की को दिखाया जाता है और अब पाक चीन और उसके आदमी इस पर हमला कर देते हैं। नाक्सु अकेले ही यहाँ पर उनसे लड़ती है और कमाल की फाइटिंग करती है। अब पाक चीन उसे एक तीर मारता है जो उसे कंधे पर लग जाता है और फिर नाक्सु अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वहाँ से गायब हो जाती है और दायो शहर में पहुँच जाती है। उसके बाद वो अपनी बॉडी को एक्सचेंज करने के लिए एक लड़की को ढूंढती है और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उससे बदलने लग जाती है और तभी पाक चीन का आदमी वहाँ पे आता है और वो देखते हैं कि नाक्सु वहाँ पे बेहोश पड़ी है और उन्हें पता चलता है कि उसने अपना शरीर किसी और के साथ बदल लिया है और वो उसके कंधे पर वह निशान देखते हैं जो पाक चीन ने लगाया था। अब दूसरी लड़की जो वहाँ मौजूद थी उसके कंधे पर भी देखा जाता है लेकिन वो निशान तो उसके कंधे पर नहीं था। अगले सीन में सोहल नाम का एक लड़का एक स्पेशल दरवाजा खोलता है जिसकी चाबी सिर्फ उन्हीं के परिवार के पास थी और फिर वो अंदर महल में जाता है जहाँ पर नाक्सु की बॉडी को रखा गया था और उनके गुरुजी कहते हैं कि लगता है इसकी आत्मा इसके शरीर में ही कैद हो गई है। सोयुल को नाक्सु की बॉडी के पास एक बांसुरी दिखती है जो कि एक बर्ड के आकार की थी और वो कहता है कि ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे मेरे पास हुआ करती थी। और उसके गुरुजी पाकछिल से कहते हैं कि वो अभी 20 साल की है, क्या वो अपना शरीर बदल सकती है। तो पाकछिल कहता है कि वो बिल्कुल बदल सकती है। और अब इसके बाद हमें चांगयुक को दिखाया जाता है। वो अपने गुरुजी से कहता है कि आपने मुझे अभी तक कुछ नहीं सिखाया है, मैं अपना खुद का मास्टर ढूंढूंगा जो मुझे ये सबको सिखा सके। और वो वहाँ से कहकर चला जाता है। इसके बाद हमें मोदुक नाम की एक अंधी लड़की को दिखाया जाता है। वो होश में आती है और मोदुक के अंदर नाक्सु की आत्मा आ गई थी और वो अपनी पट्टी खोलकर देखती है और उसे पता लगता है कि वो सब कुछ देख सकती है। और मोदुक एक गुलाम थी और वो बोट से वहाँ पर लटक कर जाने की कोशिश करती है लेकिन उसकी शक्तियाँ उसके पास नहीं थी तो वो भाग ही नहीं पाती। उसके बाद उसका मालिक उसे बचा कर एक दुकान पर ले जाता है खाना खाने के लिए। उसके बाद उसका मालिक उसे बेच देता है। यहाँ पर जोगल नाम की एक लड़की आती है जो उससे पूछती है कि उसे क्या क्या आता है। उसके बाद मोदी उसके साथ फाइट करने लगती है। फिर वो कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, यहाँ पर देश के सबसे शक्तिशाली लोग रहते हैं। पहली है जिन परिवार की बेटी जिसके पास जिंदगी देने की शक्ति है, उसका नाम है जिन चोई। और दूसरा है पार्क फैमिली का बेटा पार्क डांगू जिसके पास गर्मी की शक्ति है। तीसरा है सेउल फैमिली का बेटा सेउयुल जिसके पास सूरज की शक्तियाँ हैं। और चौथा है चैंग फैमिली का बेटा चांगयुक जिसके पास बर्फीली शक्तियाँ हैं। इन चारों फैमिलियों को मेगस फैमिली कहा जाता है। फिर मोदुक को याद आता है कि इन्हीं चारों के पिता ने उसके पिता को मारा था। उसके बाद चांगयुक और पार्क चोंग बात कर रहे होते हैं तो चांगयुक कहता है कि उसे कोई ऐसा मास्टर ढूंढना होगा जो उसे नाक्सु की तरह शक्तियाँ दे। उसके बाद पार्क चोंग कहता है कि वो तो मर चुकी है। तो चांगयुक को लगता है कि नहीं, शायद उसने अपनी बॉडी चेंज कर ली होगी। उसके बाद मोदुक वहाँ पे सामान देख रही होती है कि यहाँ पर काफी सारा सामान है जो कि काफी महंगा है जिसे वो चुराना चाहती है।
उसके बाद वहाँ पे चोयुन आ जाती है जिसके सामने मोदक की पट्टी गिर जाती है और उसे पता चल जाता है कि वो देख सकती है और वो उसकी आंखों में पाउडर फेंक कर वहाँ से भाग जाती है और प्रिंस चेंग्यू के कमरे में चली जाती है। तो चेंग्यू कहता है कि तुम तो यहाँ काम करने आई थी, तुम अंधी थी, अब तुम देख सकती हो। तो मोदक उससे फाइट करने लगती है। उसके बाद चेंग्यू उससे कहता है कि वाह तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर हैं। तो मोदक उसका वॉलेट लेकर वहाँ से भाग जाती है। चेंग्यू कहता है कि उसमें कुछ नहीं है, इसके बजाय तुम इस रॉकेट को ले लो। मोदक उसे कैच करती है और बाहर गिर जाती है, फिर वहाँ से भाग जाती है। मोदक उस रॉकेट को बेचने एक दुकान पर जाती है और तभी वहाँ पर चेंग्यू के आदमी आ जाते हैं और वो उसे पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर किम दोजू नाम की लेडी आती है जिसने चेंग्यू को पाल पोस कर बड़ा किया था। तो मोदक सोचती है कि उसने मुझे क्यों खरीदा होगा, कहीं मैं उससे पसंद तो नहीं आ गई। और फिर मोदक चेंग्यू के पास जाती है और चेंग्यू कहता है कि जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। तो वो उसके लिए पीने का पानी लाती है। तो चेंग्यू कहता है कि मेरा मतलब है मुंह धोने का पानी लाओ। उसके बाद वो उसे परेशान करता है, वो उससे नहाने के लिए पानी मंगवाता है। उसके बाद वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा गर्म है, इसे ठंडा करके लाओ। और इस बार वो कहता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही ठंडा है। तो वो फिर से पानी भरकर लाती है। बेसिकली यहाँ पर वो उसे काफी ज्यादा परेशान करता है। अब मोदक उसके लिए खाना बनाती है तो वो उसके खाने को भी नापसंद कर देता है और वो दोबारा खाना बनाती है तो वो उसे भी नापसंद कर देता है। और जब वो उसके लिए बिस्तर लगाती है तो वो उसको भी नापसंद करता है कि ये कलर तो मुझे पसंद नहीं है, दूसरे कलर का बिस्तर लगाओ। अब बेचारी मोदक सारा दिन उसके लिए काम करती है। उसके बाद मोदक को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि बस एक बार मेरी शक्तियाँ आ जाए सबसे पहले तो इसी का काम खत्म करूंगी। फिर मोदक उसे कपड़े देने जाती है और वो उसी कपड़े में उस चाबी को देख लेती है। और मोदक चाबी ढूंढने के लिए चेंग्यू के कमरे में जाती है लेकिन वहाँ पर चेंग्यू आ जाता है और वो उसे देख कर उसके बिस्तर में छुप जाती है और वो अपना बिस्तर उठा लेता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उसके बाद वो उससे बोलता है कि यहाँ पर आग जलाओ और मेरे कमरे को सारी रात गर्म करो। अगले सीन में सेवल उस बांसुरी को देख रहा था और वो पार्क टैंक से कहता है कि ऐसा लगता है जैसे इसे मैंने बनाया है। और चेंग्यू के सोने के बाद मोदक उसकी चाबी लेकर वहाँ से भाग जाती है और चेंग्यू उसे देख लेता है और वो उस गेट को अंदर खोल कर वहाँ चली जाती है। वो अपना शरीर ढूंढने यहाँ पर आई थी और तभी वहाँ पर सेवल आ जाता है और वो देखता है कि कुछ लोग काले कपड़े पहनकर उस जगह को आग लगा रहे हैं और वो उन्हें रोकता है। उनमें बहुत देर तक फाइट होती है और तभी वहाँ पर पार्क चीन आ जाता है और अपनी शक्तियों से आग को बुझा देता है। सब अंदर आकर देखते हैं नाक्सू का शरीर वहाँ पर नहीं होता। मोदक कुछ गिरा के वहाँ से डरकर भाग जाती है जिसको सियोयुल देख लेता है, जिसके बाद सियोयुल भी उसका पीछा करने लगता है। और चेंग्यू वहाँ पर आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी मास्टर बनोगी और तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर हैं। उसके बाद हमें आगे की सीन में 20 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें चेंग्यू की पत्नी दोहा एक बच्चे को जन्म देती है जो बच्चा चेंग्यू था और वो बच्चा चेंग्यू का नहीं बल्कि महाराज का था। उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देकर मर जाती है। वो उस बच्चे को लेकर देहु शहर में चला जाता है और उसके बाद चेंग्यू अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस बच्चे की सारी शक्तियाँ खींचने लगता है। तब ये पार्क चीर उस बच्चे को उठा लेता है। चेंग्यू कहता है कि जब तक ये जिंदा रहेगा ये कोई भी मंत्र नहीं सीख पाएगा और बड़ा होकर उसे कोई भी मंत्र नहीं सिखाया जाता और वो अब इसी कारण से गुस्सा रहता था कि उसे कोई भी शक्तियाँ क्यों नहीं मिलती। अब जब चेंग्यू उससे मास्टर बनने के लिए पूछता है तो मोदक कहती है कि क्यों मुझ में ऐसा क्या स्पेशल है। अब तभी उसका पीछा करते हुए वहाँ पे सियोयुल आ जाता है। वो मोदक पर हमला करने ही वाला था तभी चेंग्यू उसे बचा लेता है। सियोयुल चेंग्यू को देख के हैरान हो जाता है। तभी पार्क टैंक कहता है कि नाक्सू की बॉडी चोरी हो गई है। तो मोदक सोचती है कि ये जरूर तांगचुक का काम होगा, वो वही आदमी था जिसने उसे पाल कर बड़ा किया था। उसके बाद सभी लोग उसी जगह जाते हैं जहाँ पर नाक्सू की बॉडी रखी हुई थी। तो चेंग्यू मोदक की तरफ देख कर कहता है कि शायद नाक्सू ने अपनी बॉडी बदल ली होगी। सबके जाने के बाद चेंग्यू उससे पूछता है कि तुम ही नाक्सू हो ना। तो मोदक बोल देती है कि हाँ वही नाक्सू है। चेंग्यू बताता है कि मुझे एक मास्टर की तलाश है और तुम में वो सारी खूबियां हैं, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी मास्टर बन जाओ। उसके बाद सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और वो बात करते हैं कि यहाँ पर कोई एक आत्मा मौजूद है और उसको पकड़ने के लिए यहाँ बुलाया जाता है जिन चोई को। उसके बाद वो अपनी शक्तियों से उस शैतान को ढूंढती है और उसकी शक्तियाँ मोदक के पीछे खड़े एक शैतानी लड़के पर हमला करती है और वो सभी लोग उस लड़के को पकड़ते हैं और सियोयुल उसे मार देता है। तभी मोदक के पीछे एक डॉग की आत्मा लग जाती है और वो भागते भागते गिर जाती है। वो आत्मा उस पर हमला करने ही वाली थी और तभी चेंग्यू उस मूर्ति को तोड़ देता है जिसमें से वो आत्मा बाहर आई थी, जिसके बाद चिंचोई और पार्क चील उसे देख लेते हैं। चिंचोई कहती है कि ये मेरे परिवार की मूर्ति थी। चेंग्यू वहाँ से चला जाता है और पार्क चोंग आकर कहता है कि देखो उसने क्या किया, पहले तो उसने पिछले साल चिंचोई से एंगेजमेंट तोड़ दी और उसके बाद अब उसकी खानदानी मूर्ति तोड़ दी। उसके बाद चेंग्यू को ठंड में बैठने की सजा दी जाती है, जिसके बाद मोदक को पता चलता है कि वो ठंड में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता तो वो उसके लिए चाय लेकर आती है और कहती है कि तुम वो पहले इंसान हो जिसने मेरी मदद की और ये मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। जिसके बाद किम दोचू
जेंगयुक को घर वापस ले आती है। उसके बाद जेंगयुक के पास पाक डोंग आता है और वो बोलता है कि नाक्सू के शरीर को जला देने का आदेश आया है। उसके बाद तांगसू के आदमी उस लड़की को ढूंढ रहे थे जिसके अंदर नाक्सू की आत्मा है। अब मोदुक के पास मौजूद एक लड़की उसकी चाबी चुरा लेती है, जिसके धोखे में आकर तांगसू के आदमी उस लड़की को मारने जाते हैं। उसके आदमी समझ लेते हैं कि इस लड़की के अंदर नाक्सू की आत्मा है। उसके बाद वो उसे मार देते हैं और मोदुक उन्हें उस लड़की को ले जाते हुए देख लेती है। और उसके बाद अगले सीन में नाक्सू के शरीर को जलाया जा रहा था, तो वहाँ पर चिमियू को देखती है और वो तांगसू के आदमी को वहीं पे देख के समझ जाती है कि यही तांगसू है जो हमेशा अपना चेहरा छुपा के रखता है। फिर उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जब चारों मेगस ने उसकी फैमिली को मारा था। वहाँ पर तांगसू आया था जो उसे अपने साथ ले गया था। तभी वहाँ पे जेंगयुक आता है जो उसे बताता है कि उसे उसकी तलवार मिल चुकी है, लेकिन मोदुक के अंदर उसकी शक्तियाँ ही नहीं थी जिस वजह से वो उस तलवार को खोल ही नहीं पाती। और उसके बाद वो अपनी तलवार को लेकर समुद्र में चली जाती है और पानी के अंदर जाते ही वो अपनी तलवार को आसानी से खोल लेती है और पानी से आकर वो बेहोश हो जाती है। अगले सीन में जब मोदुक को होश आता है तो जेंगयुक उसके लिए दवाई लेकर आता है जिससे उसकी आंखों का नीला कलर लाइट हो जाएगा। उसके बाद मोदुक बाहर आ जाती है और जेंगयुक वहाँ पे आता है और उसकी रखी चाय को पी लेता है। अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है तो मोदुक कहती है कि इसमें जहर था, अगर तुम जिंदा बच गए तो मैं तुम्हारी मास्टर बनने के लिए तैयार हो जाऊंगी। अब वहाँ पर पाक चीन और उसके गुरुजी आ जाते हैं और अब मोदुक को जहर देने के बदले सजा दी जाती है। उसके बाद गुरुजी जेंगयुक का इलाज करते हैं और वो बताते हैं कि अब वो कमजोर नहीं है, इसमें शक्तियाँ आ गई है। उसके बाद जेंगयुक को होश आता है और वो मोदुक के बारे में पूछता है। अब पाक चीन को पिछला फ्लैशबैक याद आता है कि जेंगयुक ने कहा था कि अगर इस बच्चे ने अपनी शक्तियाँ तलाश कर ली तो ये मारा जाएगा, अगर ये बिना शक्तियों के रहता है तो ये जिंदा रहेगा। उसके बाद जेंगयुक मोदुक को लेकर पाक चीन के पास आता है और वो उससे विनती करता है कि वो मोदुक का इलाज करे। उसके बाद मोदुक को होश आता है और जेंगयुक उससे पूछता है कि तुमने मुझे जहर क्यों दिया। वो बताती है कि वो जहर नहीं था, वो तुम्हारी शक्तियों को जगाने के लिए एक एंटीडोज था। उसके बाद जिमियो को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वो महाराज के पास जाता है और वो नीले निशान को देख लेता है। जेंगयुक उससे कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें आत्मा बदलने वाली शक्ति सिखाऊंगा। और वो उसकी बात मान जाता है और वो सोचता है कि उस दिन वाकई में मैं बहुत लकी था। उसके बाद मोदुक जेंगयुक के पास उसकी ट्रेनिंग के लिए आती है। वो अपनी बहुत ज्यादा तारीफ करती है और तारीफ करते करते वो गिर जाती है। वो कहती है कि कितना कमजोर शरीर है ये। जेंगयुक कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास तुम्हारी शक्तियाँ हैं। उसके बाद मोदुक गुस्से में खड़ी होती है और वो उसे ट्रेनिंग कराती है और गुस्से में उसे बहुत मारती है। अगले सीन में वो लोग घर जाते हैं। मोदुक कहती है कि तुमने 12 मास्टर बदले, क्या तुमने उनसे कुछ सीखा नहीं? तो जेंगयुक कहता है कि वो मुझे मोटिवेट ही नहीं करते थे शक्तियाँ पाने के लिए। मोदुक कहती है कि मैंने अपनी ट्रेनिंग 6 महीने में की थी और मुझे नहीं लगता कि तुम 5 सालों में भी कर सकते हो। जेंगयुक कहता है कि तुम्हें मुझे मोटिवेट करना चाहिए और मैं तुम्हारी ये ट्रेनिंग 3 महीने में सीख जाऊंगा। अगले सीन में गुरुजी जेंगयुक के घर आ रहे थे और जब वो अंदर जाते हैं तो मोदुक उन पर झाड़ू से पत्तियां फेंकने लगती है। तो गुरुजी मोदुक का कान पकड़ के कहते हैं कि अपना काम ठीक से किया करो। उसके बाद मोदुक भागकर जेंगयुक के पास जाती है और उसके कपड़े उतार कर उसके पेट पे हाथ लगा के देखती है कि सच में उसके अंदर शक्तियां आ गई हैं। उसके बाद गुरुजी पाक चील से कहते हैं कि जेंगयुक में शक्तियां तो आ गई हैं लेकिन वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, उसके लिए उसे सीखना होगा। उसके बाद हमें किम जोय को दिखाया जाता है और किम जोय अपनी माँ से कहती है कि आपने मेरी सगाई क्यों की थी उसके साथ। तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हें शायद पता नहीं, जेंग फैमिली के पास बहुत ज्यादा ताकत है जो कि बाकी की मेगस फैमिली के पास नहीं है। अगले सीन में जिन जोय अपनी शक्तियों से एक दरवाजा खोलती है और अंदर जाकर वो कहती है कि मैं अपनी बहन की तरह नहीं जीना चाहती। उसके बाद नेक्स्ट सीन में पाक टैंग मोदुक को कह रहा था कि सोयुल को किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, वो देर से सोता है और जल्दी उठ जाता है। तो मोदुक सोचती है कि मुझे तो सिर्फ उसे 6 सेकंड हाथ लगाना है और मेरा काम बन जाएगा। और तभी पाक टैंग के हाथ से सामान छूट जाता है और मोदुक अपने स्टाइल में उसे पकड़ लेती है। और तभी वहाँ पर सोयुल आ जाता है और वो मोदुक से कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। उसके बाद वहाँ पे काफी सारे सैनिक आ जाते हैं कपड़े बदलने के लिए, जिन्हें देखकर वो दोनों छुप जाते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर मोदुक सोयुल के पेट पे हाथ लगाती है जिसे देखकर वो डर जाता है। और सैनिकों के जाने के बाद वो मोदुक से पूछता है कि तुम आखिर ये कर क्या रही थी। उसके बाद वो भागी भागी जाती है और सोयुल के पीठ पर हाथ लगाने लग जाती है, लेकिन वो डर कर उसे अपनी शक्तियों से पीछे कर देता है और वो उड़ के गिर जाती है। और तभी सोयुल की वहाँ पर बांसुरी गिर जाती है जो कि नाक्सू की थी। फिर सोयुल वहाँ से चला जाता है और मोदुक उस बांसुरी को उठाकर कहती है कि तुम्हें मैं याद तो हूँ ना, और मोदुक बांसुरी को उठाकर बजाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर सोयुल उसके पास आ जाता है, वो उससे उस बांसुरी को मांगता है और मोदुक कहती है कि इसके बदले में मैं तुम्हें टच करूंगी, तो वो उसका हाथ पकड़ के अपने दिल पर रख देता है। तभी वहाँ पर जेंगयुक आ जाता है और उन दोनों को देख लेता है। फिर मोदुक उससे बताती है कि उसमें बहुत ज्यादा शक्तियाँ हैं लेकिन तुम्हारी शक्तियाँ स्पेशल हैं।
अगले सीन में हमें एक क्राउन प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि काफी अच्छा तलवारबाज था, और वो जिम्मी उनको थैंक यू कहता है उसे तलवारबाजी सिखाने के लिए। जिम्मी कहता है कि अभी तुम इतने ताकतवर नहीं हुए कि तुम मेगस फैमिली का सामना कर सको। झेंग युग के पास उसकी शक्तियाँ आ गई हैं और वो मुझसे नाक्सु की तलवार भी ले गया था, वो जरूर कुछ करेगा। अगले सीन में झेंग युग पाक चिल से कहता है कि मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, जिसके बाद झेंग युग को सजा के तौर पर कोड़े मारे जाते हैं। पाक चिल कहता है कि अपने मन से ये ख्याल निकाल दो, लेकिन झेंग युग कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, लेकिन पाक चिल कहता है कि मेरी ये बात मान जाओ, इसी से तुम जिंदा रह सकते हो। उसके बाद झेंग युग नहा कर बाहर आता है और मोदी पूछती है कि तुम ठीक तो हो। झेंग युग कहता है कि हाँ, लेकिन ये पानी बहुत ज्यादा गर्म था। तो मोदी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो तुम्हें ठंडा पानी दिया था। वो पानी चेक करती है तो वो बहुत ज्यादा गर्म था, और वो झेंग युग को हाथ लगा के देखती है तो वो भी काफी गर्म था। तो मोदी कहती है कि इसे तुम्हारी शक्तियों ने गर्म कर दिया है। वो उसके लिए और पानी लेके आती है और वो झेंग युग पे गिराती है, वो बिल्कुल आग की तरह गर्म हो जाता है। फिर किम दोजू आ जाती है और कहती है कि तुम इतने ठंडे पानी से मास्टर को नहला रही हो। मोदी भी वो चेक करती है और सोचती है कि ये तो बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है। उसके जाने के बाद झेंग युग कहता है कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे ऐसा लगता है मैं जम जाऊंगा। उसके बाद मोदी उसे बिस्तर पे लिटा देती है और उसके कमरे में आग लेकर आती है। तो हमें कुसू नाम का आदमी दिखाया जाता है जो उसी कमरे में जाता है जिसमें चिंचोई गई थी। वो वहाँ से एक आत्मा को निकाल कर एक मरे हुए डॉग में डाल देता है और वो जिंदा हो जाता है। अब झेंग युग को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी तो म्यूदिक उसके सास हो जाती है, और अगली सुबह जब म्यूदिक की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि झेंग युग बिल्कुल ठीक है। और तभी उसके घर पर उससे मिलने क्राउन प्रिंस आता है। क्राउन प्रिंस झेंग युग से वो तलवार लेने आता है, जिसे देने से वो मना कर देता है, और वो एक मुकाबला रखता है, जो जीतेगा वो तलवार उसे मिलेगी। तो झेंग युग भी उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और उनकी लड़ाई में क्राउन प्रिंस झेंग युग को बुरी तरह से मारता है। तभी वहाँ पे मोदी को आती है और गंदे पानी को क्राउन प्रिंस के ऊपर फेंक देती है, और बाद में क्राउन प्रिंस से माफी मांगती है। प्रिंस उस पर बहुत गुस्सा करता है, और तभी वहाँ पर पार्क टैंग, सीओयूल और चिंचोई भी आ जाते हैं, और क्राउन प्रिंस कहता है कि ऐसा नहीं चलेगा। वो उसे सजा देने के लिए तलवार चलाने लगता है, तभी उसे झेंग युग रोक लेता है, जिसके बाद उसकी तलवार चमकने लग जाती है और सबको पता चल जाता है कि उसमें शक्तियाँ आ गई हैं। उसके बाद झेंग युग अपनी तलवार को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो अपनी शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसका उसके हाथों पर कंट्रोल नहीं होता। पार्क टैंग उसे रोकने की कोशिश करता है और वो उसे भी मार देता है। तभी चिंचोई झेंग युग के हाथों को अपने एक ब्रेसलेट की शक्ति से बांध देती है। पार्क टैंग क्राउन प्रिंस से उसके लिए माफी मांगता है, लेकिन प्रिंस को काफी गुस्सा आ रहा था। तभी वहाँ पे म्यूदिक आ जाती है और वो कहती है कि हमें माफ कर दीजिए, और वो क्राउन प्रिंस के जूते साफ करने लगती है। इसके बाद म्यूदिक क्राउन प्रिंस के पास जाती है और उसको अपनी तलवार देती है। वो कहती है कि ये तलवार आपकी है, आपने इसे जीत लिया है। उसके बाद क्राउन प्रिंस म्यूदिक की चापलूसी से काफी खुश होता है और उससे उसका नाम पूछता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में म्यूदिक गंदे कपड़े धो रही होती है। झेंग युग आकर उससे गले लगा लेता है और कहता है कि थैंक यू, तुम्हारी वजह से मेरी शक्तियाँ वापस आ गई। अगले सीन में गुरुजी, जिनमियों, पार्क चील और चिन एक साथ बैठे हुए थे। चिंचोय की माँ कहती है कि उनके कमरे से एक आत्मा चोरी हो गई है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उस दरवाजे को सिर्फ जिन फैमिली ही खोल सकती है। उसके बाद वहाँ पे झेंग युग आ जाता है और पार्क चील उसे कहता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। तो झेंग युग कहता है कि ये मेरे पिता की तलवार है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, और फिर वो अपनी शक्तियों से उस तलवार को खोल देता है। उसके बाद पार्क चील उसके हाथ में ब्रेसलेट देख लेता है और कहता है कि इस ब्रेसलेट के बिना इस तलवार को कंट्रोल करके दिखाओ। वो उस ब्रेसलेट को खोल देता है और वो तलवार उससे कंट्रोल ही नहीं होती और वो पार्क चील को घायल कर देता है। तभी सीओयूल उसका हाथ पकड़ लेता है और चिंचोई उस ब्रेसलेट को दोबारा से बांध देती है, और पार्क चील कहता है कि तुम इस तलवार को उठाने के लायक नहीं हो। तो चिंचोई कहती है लेकिन इसने तो राजकुमार को आसानी से हरा दिया था। तो चिमियों को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि उसने क्राउन प्रिंस के साथ लड़ाई की थी। उसके बाद पार्क चीन झेंग युग को कमरे में बंद करवा देता है। उसके बाद पार्क चीन झेंग युग से मिलने आता है और उन लोगों में बहस हो जाती है, और वहाँ पर झेंग युग को पता चल जाता है कि जिसे वो अपना पिता मान रहा था वो उसके पिता है ही नहीं, और ये सुनकर उसे बहुत दुख होता है। उसके बाद म्यूदिक उसके लिए खाना लेकर आती है, लेकिन झेंग युग बस रो ही जा रहा था, उस पर इन बातों का बहुत गहरा असर हो गया था। उसके बाद ये सभी लोग मिलकर झेंग युग और क्राउन प्रिंस की दोबारा लड़ाई करवाते हैं ताकि उसी के हिसाब से उसको सजा दी जा सके। सीओयूल और पार्क टैंग जल्दी से झेंग युग को उठाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारी जान खतरे में है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। उसके बाद पार्क चिन कहता है कि झेंग युग कहाँ है। उसका नौकर उसे बताता है कि वो तो यहाँ से भाग गया। और उसके बाद म्यूदिक झेंग युग को बोट में ले जा रही थी। उसके बाद हमें एक फ्लैश बैक दिखाया जाता है जहाँ पे नाक्सु छोटी थी। उसके पिता कहते हैं कि आज मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें एक बहुत अच्छा तोहफा दूंगा। उसके बाद वो उसे एक कमरे में ले जाते हैं और अपने जादू की मदद से बहुत सारे तारे दिखाते हैं। उसके बाद उनके घर पे हमला हो जाता है और एक नौकरानी नाक्सु को कमरे में छुपा देती है और खुद बाहर चली जाती है। बाहर जाने पर वो भी मारी जाती है, जिसके बाद वो चारों मेगस मिलकर नाक्सु के पिता को भी मार देते हैं, और उसके बाद नाक्सु को दांगसु अपने साथ ले जाता है।
नाकसू वहीं रहती है और वहीं पर अपनी तलवारबाजी सीखती है और बहुत शक्तिशाली बन जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में मोद्युक और चैंगसू गांव में आते हैं और वो एक स्मेल का पीछा करते करते एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर मोद्युक पहुंच कर देखती है कि जब वो यहां पे अपनी तलवार ढूंढने आई थी तो ये जगह बिल्कुल खराब थी, अब ये बिल्कुल ठीक हो गई है। बाहर किसी ने कपड़े सुखाए हुए थे। मोद्युक सोच ही रही होती है कि यहां पर कौन रहता होगा और तभी वो पीछे मुड़कर देखती है वहां पे एक डॉग आ जाता है जिसे पिछली रात एक आदमी ने जिंदा कर दिया था। वो मोद्युक की तरफ देख जोर जोर से भौंकने लगता है क्योंकि उसे उसमें एक आत्मा दिखाई दे रही थी। तभी वहाँ पे चैंगसू आ जाता है और उसे रोकता है और उस आत्मा को याद आता है कि ये वही आदमी है जिसने उसकी मूर्ति को तोड़ दिया था। अगले सीन में चिनम्यू महाराज से कहता है कि वो 12 के 12 मास्टर आज मीटिंग करने वाले हैं, वो भी चैंगसू के लिए। क्राउन प्रिंस कहता है कि मुझे उन मास्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ चैंगसू से मतलब है। तो महाराज कहते हैं कि हमें एक बार फिर से सोच लेना चाहिए, अगर हमने कुछ और गलती की तो हमारे मेगस के साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं। अगले सीन में पार्क चिन उन सभी 12 मास्टर्स से बात करता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में चैन युक नहा कर आता है, वो देखता है कि मोद्युक नीचे सोई हुई है। वो उस बक्से को उठाने लगता है जो मोद्युक उठाकर लाई थी। वो सोचता है कि ये लड़की इतना वजन कैसे उठा सकती है। वो मोद्युक को उठाकर बेड पे लिटा देता है और खुद नीचे सोने लगता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है, वो मोद्युक के पास आता है और उसके ऊपर कोई जादू करता है और कहता है कि तुम्हारे शरीर के अंदर एक बहुत ताकतवर आत्मा है लेकिन तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है। उसके बाद वो आदमी पीछे मुड़ता है और चैंगसू वहाँ तलवार लेकर खड़ा होता है। वो अपने उस ब्रेसलेट को भी निकाल देता है और उस आदमी से पूछता है कि तुम कौन हो। उसके बाद उनमें बहुत लड़ाई होती है, वो आदमी बहुत ताकतवर था जिससे चैंगसू जीत नहीं पाता। उसके बाद मोद्युक को अपने सपने में उसी लड़की की आत्मा दिखाई देती है वो जिसके शरीर में रह रही थी और उसकी नींद खुल जाती है। वो बाहर आकर देखती है कि कोई खाना बना रहा है। उसके बाद चैंगसू बताता है कि कल रात उनमें लड़ाई हो रही थी और तभी मोद्युक नींद में उठकर आ जाती है जिसे चैंगसू बचाता है। वो आदमी कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर रह सकते हो और मुझे मास्टर कह सकते हो। अब चैंगसू और मोद्युक लड़ने लगते हैं तो वो मास्टर कहता है कि तुम दोनों पति पत्नी हो, तो वो दोनों एक साथ बोलते हैं कि नहीं। उसके बाद मोद्युक और चैंगसू उस मास्टर को ही देखे जा रहे थे। वो देखते हैं कि वो अपने हाथ से ही लकड़ियों को काट देता है और उस आग को भी कंट्रोल कर लेता है और फिर वो मास्टर उन गीले कपड़ों को अपनी शक्तियों से सुखा देता है। तो मोद्युक कहती है कि ये जरूर मास्टर सीसुक है। चैंगसू कहता है कि वो तो पिछले साल ही मर गए थे। तभी मास्टर चैंगसू को चाय पीते देख लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इसे नहीं पीना चाहिए था, इसकी वजह से तुम्हारा शरीर कमजोर हो जाएगा। और ये सुनकर चैंगसू बहुत ज्यादा डर जाता है। तो मोद्युक कहती है कि इसका अपने हाथ पर भी कोई कंट्रोल नहीं रहता, क्या आपके पास इसका कोई इलाज होगा? तो मास्टर मना कर देते हैं। उसके बाद चैंगसू मास्टर की बनाई हुई दवाई पीता है और कहता है कि कैसा आदमी है, ये अजीब सी चाय पीता रहता है, अगर ये पीकर मैं मर जाता तो। तो मोद्युक कहती है कि उन्हें वो चाय पीनी ही चाहिए, वो बहुत शक्तिशाली है। उसके बाद चैंगसू चाय पीते पीते टेबल पर अपना हाथ मारता है और टेबल पर रखी वो कटोरी अपने आप उठकर मोद्युक के सिर पर लग जाती है। मोद्युक बहुत खुश होती है और कहती है कि तुम्हारी शक्तियाँ वापस आ रही हैं, वो और ज्यादा ही ताकतवर होती जा रही हैं। उसके बाद पार्क चिन को दिखाया जाता है जो कि एक रूम में था। उसे एक फ्लैशबैक याद आता है, चैंगसू ने उसे कहा था कि 1 अप्रैल को तारों की छाव के नीचे जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसके जन्म का रहस्य किसी को नहीं पता चलना चाहिए। और तभी वहाँ पर चिनम्यू आ जाता है। पार्क चिन कहता है जिस दिन दोहा की मौत हुई थी उसी दिन चैंगसू का जन्म हुआ था, मैं यहाँ पर छानबीन करने आया था, क्या तुमने यहाँ पर कुछ छिपा कर रखा है? तो चिनम्यू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो। तो पार्क चिन सबको अंदर बुलाता है और वो सबको इस जगह की चेकिंग करने के लिए कहता है लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। तो चिनम्यू अपने नौकर से कहता है कि उस आदमी की बॉडी को यहाँ से फेंक दो जिसकी आत्मा को उनके मास्टर ने ले लिया था। उसके बाद सीओ यूल और पार्क टैन उसके बग्गी को वहाँ से जाते हुए देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं। वो बग्गी इतनी तेजी से जाती है कि उन्हें पता ही नहीं चलता और आगे जाकर वो बग्गी उन्हें खाली मिलती है। सीओ यूल को उसके अंदर से वो चाबी मिल जाती है। तो पार्क टैन कहता है कि इसका मतलब वो हमारे ही शहर का कोई आदमी है। उसके बाद चैंगसू मास्टर के साथ काम में बिजी हो जाता है और मोद्युक उसे देखती है और सोचती है कि ये तो बिल्कुल भी उससे भाव ही नहीं दे रहा है। वो उसके पास जाकर उससे पूछती है तो चैंगसू कहता है कि मैंने ये बनाया है, जरा इसे टेस्ट करके बताना। तो वो गुस्से में उसके ऊपर सामान फेंकने लग जाती है और उसके बाद वो बॉडी जो उसके आदमियों ने वहाँ फेंक दी थी वो नदी में बहकर शहर की तरफ आ जाती है। उसके बाद चैंगसू मास्टर से पूछता है कि क्या आपको कुछ शिष्य नहीं था? तो मास्टर बताते हैं कि एक शिष्य था और वो भी एक मेगस ही था। उसके बाद मोद्युक बाहर जाती है और उसे वहाँ पर क्राउन प्रिंस दिखते हैं। वो फिर से उनकी चापलूसी करना शुरू हो जाती है जिससे क्राउन प्रिंस काफी खुश हो जाते हैं। मोद्युक वहाँ पर शराब पी लेती है। उसके बाद मास्टर और चैंगसू शहर की तरफ जा रहे थे, वहाँ लोग बात कर रहे थे कि किसी की बॉडी पानी में पड़ी है। वो दोनों उसे देखने जाते हैं और वो देखते हैं कि वो बॉडी पत्थर में बदल चुकी है। उसके बाद चैंगसू को मोद्युक बहुत नशे में मिलती है और वो उसे अपने साथ ले आता है। सीओ यूल भी दोंगयोंग शहर में आ गया था, वो एक पत्थर के पास खड़ा था। उस पत्थर के पास खड़े होकर उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जब वो छोटा था और नाकसू भी छोटी थी, वो वहाँ पर प्रैक्टिस करने आया
बनाया करते थे। अगले सीन में वो देखता है कि वहीं पर मोदयुक खड़ी है और फिर वहां पर पाक डैंग आ जाता है। तभी मोदयुक वहां से फिसल जाती है और उसे सियोयुल पकड़ लेता है। उसके बाद जेनयू कुनिस बताता है कि मुझे एक नया मास्टर मिल गया है। पाक डैंग उसी चाय को पीने लगता है जो उसके गुरुजी पिया करते थे। उसके बाद पाक चीर गुरुजी और सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी उनका सेवक आकर पाक चीन से बोलता है कि आपसे कोई मिलने आया है, और गुरुजी वहां पर जाते हैं और कहते हैं कि मास्टर आप, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।